Hello friends, today we will discuss about the dipnoi or the lung fishes. Dipnoi or lung fishes, dipnoi जो word है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. Di means two और pnoi means breathing. And those animals which have breathing in with two types, as they can respire through gills or through lungs. ऐसे एनिमल जो दो प्रकार से श्वसन करते हों, गिल से भी करते हों और लंग से भी करते हों, ऐसे एनिमल्स को डिप्नोय कहा जाता है. डिप्नोय इवॉल्व ड्यूरिंग द मिड डेवोनियन पीरियड प्रोबेबली एज एन ऑफशूट ऑफ द क्रॉसप्ट रीजियन स्टेम एंड फ्लोरिस्ट मॉडरेटली इन द परमियन एंड ट्रायसिक एंड लेटर बिकेम रेयर. ऐसा माना जाता है कि ये जो डिप्नोई हैं वो क्रॉसप्ट रीजियन से एक शाखा के रूप में डेवोनियन मध्य डेवोनियन पीरियड के अंदर ये उत्पन्न हुए और परमियन पीरियड के अंदर ये फले फूले और अपनी संख्या बढ़ाई, लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रायसिक के आते आते और उसके बाद में धीरे धीरे ये इनकी संख्या में कमी होती चली गई. द अर्लिएस्ट रिकॉर्डेड फॉसिल लंग फिश इज डिप्टेरस ऑफ मिड डेवोनियन एंड सेरोटोडस ऑफ ट्रायसिक. जो पहले जो फॉसिल हैं वो मिड डेवोनियन पीरियड के डिप्टेरस और ट्रायसिक युग का सिरोटोडस इसका जीवाश्म मिलता है. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट जॉल्स एंड टर्सिंग प्लेट्स ऑफ टीथ एंड इंटरनल लेयर रिड्यूस एक्सो एंड एंडो स्केलेटन एंड डाइफाइसिकल टेल. उनमें छोटे जबड़े होते हैं और क्रश करने वाले जो टीथ हैं वो प्लेट के रूप में होते हैं और इनके इंटरनल नेयर पाए यानी के अंत है नासा छिद्र पाए जाते हैं और इनमें बाह्य और अंत कंकाल अनुपस्थित होता है और रिड्यूस होता है मतलब थोड़ा अपभाषित होता है. डाइफाई सर्कल टेल होती है. एयर ब्लेडर एक्ट एज द लंग्स सो दे आर कॉल्ड एज लंग फिशेस एंड एयर सैक्स आर द फंक्शनल विद द रिलेटेड एक्सचेंज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द हार्ट. इनका जो एयर सैक हैं वो फंक्शनल होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है एक्सचेंज करते हैं गैसेस को और वो हार्ट से जुड़े हुए रहते हैं यानी उनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिप्नोए. टुडे डिप्नोए हैव ओनली थ्री सर्वाइविंग जेनरा ऑफ लंग फिशेस. दे आर प्रोटोप्टेरस लेपिडोसायरन एंड न्यूसिरोटोडस. ऑल दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर रिवर्स. Protopterus live in the mud of Great Nile River and other lakes of tropical South Africa. Therefore, they are commonly known as African lungfish. Protopterus को African lungfish कहते हैं क्योंकि ये नील नदी और उसके आसपास के tropical South Africa के जो जल भंडारों में जल झीलों के अंदर पाई जाती है. Lepidosiren paradoxa live in the Amazon River and its tributaries of South America. जो लेपिडोसायरन पैराडॉक्सा है वो अमेरिका की अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसको अमेजन लंगफिश या अफ्रीकन लंगफिश साउथ अमेरिकन लंगफिश कहते हैं. न्यूसिरोटोडस तीसरी जो न्यूसिरोटोडस है वो फाउंड इज ओनली इन द बर्नेट एंड मैरी रिवर ऑफ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड नदी के अंदर पाई जाती है. सो कॉल्ड एज द बर्नेट साल्मन और ऑस्ट्रेलियन लंगफिश. इसको बर्नेट साल्मन या ऑस्ट्रेलियन लंगफिश के नाम से जानते हैं. Neurosirotodus is the only living genera of family Sirotodontidae and other being extinct Sirotodus. ये केवल Neurosirotodus ही एक living genera है, इसका बाकी सारे विलुप्त हो चुके हैं इसके. इसमें अगर चित्र में देखें तो संसार के तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट पर ये तीन जेनेरा पाए जाते हैं. एक अमेरिका में पाया जाता है, एक अफ्रीका में पाया जाता है और एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इतने दूर दूर इनका डिस्कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ये. इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं. दीज द एग्जांपल्स ऑफ डिस्कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. बिसाइड स्विमिंग इन वाटर बाय अंडुलेटिंग बॉडी मूवमेंट दे आल्सो क्रॉल ऑन द बॉटम यूजिंग देयर पेयर्ड फिन लाइक लेग्स. अपने पेयर्ड फिन को टांगों की तरह यूज करके ये बॉटम पर चल सकती हैं. दे कैन सर्वाइव इन ड्रॉट बाय एस्टिवेटिंग इन द म्यूकस कोकून बरीड इन द बॉटम मड ऑफ देयर हैबिटेट. वे ड्रॉट के अंदर यानी सूखे प्रभावित क्षेत्रों के अंदर भी जब जल सूख जाता है तो उसमें भी वो जिंदा रह लेती हैं क्योंकि वो एस्टाइवेशन के अंदर चली जाती हैं यानी शीत निष्क्रियता में पाई जाती है और वो अपने मड के अंदर अपने एक कोकून बना करके जिंदा रहती हैं. दे पेरेंटल केयर इज मोर प्रोनाउंस्ड इन मेल्स एंड इनमें पैतृक रक्षण पाया जाता है और बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है मेल्स के अंदर पाया जाता है. दे गार्ड देयर एग्स.
मेल जो हैं वो अपने अंडों की सुरक्षा करते हैं, मेल पेरियोडिकली लीव द नेस्ट टू एनगल्फ एटमॉस्फेरिक प्रेस्ड एयर एंड डिफ्यूजेस इट टू द विसिनिटी ऑफ एग्स टू एरेट देम। मेल जो है वो जाता है ऊपर की तरफ जाता है और अपने मुंह में पानी भर करके एयर भर करके और उनके अंडों के पास में छोड़ देता है, जिससे वो एरेट होते रहते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी नहीं आती, सफोकेशन नहीं होता। ये तीन डायग्राम है, प्रोटोप्टेरा ऊपर वाला और नीचे वाला बीच वाला, ये है लेपिडोसायरन और ये है पेल्विक फिन इनकी। ये न्यूसरोटोडस है जिसे ऑस्ट्रेलियन लंगफिश कहते हैं, ये लेपिडोसायरन है जिसे अमेरिकन लंगफिश कहते हैं, इसे ये प्रोटोप्टेरस है जिसे अफ्रीकन लंगफिश कहते हैं। इनमें ये इनके डायग्राम है और इनकी जो फिन्स हैं पेरड फिन्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो लेग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो डिप्नोई क्लासिफिकेशन दो सब ऑर्डर्स में बांटा गया है इसको, मोनोनिमोना और डाइनिमोना। मोनोनिमोना यानी जिनमें सिंगल लंग होता है, जैसे कि न्यूसरोटोडस फॉरेस्ट्री, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश के अंदर एक अकेला ये लंग पाया जाता है। डाइनिमोना जिनमें डबल लंग होते हैं, दो लंग्स होते हैं, तो उनको डाइनिमोना कहते हैं, जैसे कि प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसायरन, ये दोनों मछलियां इनमें डाइनिमोना में आती हैं। मॉर्फोलॉजी अगर देखें इनकी डिप्नोई की, तो प्रोटोप्टेरस प्रोटोप्टेरस एनेक्टेंस, प्रोटोप्टेरस इज द कार्निवोरस एंड बोरासियस फीडर, कार्निवोरस होती है और बोरास बहुत ज्यादा भरपेटू किस्म की ये मछली होती है। इट फीड ऑन द वर्म्स, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस इट अंडरगो समर स्लीप और एस्टिवेशन एंड बरो इट इनटू द सॉइल टू गो डीप इनटू द अप टू 60 सेंटीमीटर डीप इनटू द सॉइल एंड फॉर द एटलीस्ट 6 मंथ इन द वाटरप्रूफ कोकून मेड बाय द क्ले एंड म्यूकस। द बॉडी इज इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड मोर ऑर लेस ईल लाइक and grows to a length of about 1 to 2 meter and weighing up to 40 kilograms. And body is covered by the overlapping cycloid scales. And the dorsal anal and tail fin is continuous and are supported with the partially calcified fiber-like rays called camptotrichae. एक अलग प्रकार की rays के द्वारा ये supported रहती हैं जिनको camptotrichae कहते हैं। Pectoral and pelvic fins are represented as limbs. और इनकी जो pectoral pelvic यानी paired fins हैं, वो limbs की तरह convert हो जाते हैं, modify हो जाते हैं। They are long, thin, filamentous and help in walking along the bottom. और वो चलने के लिए, bottom में चलने के लिए उनमें help करने के लिए उनकी legs के अंदर convert हो जाते हैं। Caudal fin and its supporting fleshy lobes tapering at the posterior point, it is called as isocercal or protocercal tail. ये जो उनकी पूंछ है वो पीछे की तरफ टेपरिंग होती चली जाती है, इस प्रकार की पूंछ को प्रोटोसर्कल या आइसोसर्कल टेल कहते हैं। माउथ इज स्मॉल, इनसाइड द माउथ मार्जिन इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट एंड फ्लैसी लिप्स एक्सटेंड बैक टू द साइड ऑफ द हेड एंड आईज आर स्मॉल, 6 ब्रेंकियल आर्चेस और 5 गिल स्लिट्स आर कवर्ड विद द ओपरक्यूलम। द ओपरक्यूलम ओपनिंग इज लिमिटेड टू जस्ट स्लिट जस्ट इन फ्रंट ऑफ पेक्टोरल फिन। गिल्स आर वीकली डेवलप्ड and will die if prevented from the reaching surface of water to use their pair fins or dynemona. The lateral line system is well developed and indicated on the head of the groove lines in the opening. The cloacal opening is lie ventrally at the root of the tail and close it to the two abdominal pores. इनका जो क्लोइक है वो टेल के पूंछ के वेंट्रल में होती है और इनके दो एब्डोमिनल पोर के द्वारा ये सपोर्टेड रहती है। जैसे इसमें एक वीडियो है, इसके वीडियो के अंदर हमने ये एक ये एस्टिवेशन के अंदर चली गई एक ऐसी फिश, प्रोटोप्टेरस फिश, साउथ अफ्रीकन लंग फिश, जो मिट्टी में एस्टिवेशन से बाहर निकल करके आती है रेनी सीजन में, जब इनका एनवायरमेंटल कंडीशंस वापस सूटेबल हो जाती हैं, इनकी अनुकूल हो जाती हैं, तो उस दौरान ये बाहर निकल करके आती हैं और पानी में जाने के लिए जाती हैं। लेकिन इनके परवक्षी उनका इंतजार करते रहते हैं, परवक्षी भी होते हैं आसपास के, इनके जो प्रीडेटरी बर्ड हैं वो इनको खाने के लिए तैयार रहते हैं और ये मछली मिट्टी में से निकल करके वापस स्वच्छ जली पानी में चली जाती है, उसके बॉटम में जाकर के और अपनी जो लेग्स हैं, अपनी जो पेड़ फिन है उनमें, उनके द्वारा ये चलती है। जैसे कि इस परवक्षी ने इसको पिकअप कर लिया है, ग्रास्प कर लिया है, ये इनका प्रिय भोजन होते हैं और परवक्षी इनका इंतजार करते थे। तो इस प्रकार से ये मछली जो है, जैसे ही वो एस्टिवेशन से बाहर आई, इसने परवक्षी ने इसको पकड़ लिया।
दूसरी है लेपिडोसायरन पैराडॉक्स। लेपिडोसायरन इज नॉट एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस बट समटाइम्स हर्बिवोरस। ये कार्निवोरस और हर्बिवोरस जो सब भोजन मिल जाए वो दोनों ही प्रकार का कर लेती है। ये बॉडीज में इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल एंड मोर ईल लाइक। इसकी बॉडी लंबी बेलनाकार और ईल के समान होती है। फाउंड इन अमेजन एंड इट्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। अमेजन और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। इट्स ग्रोज द लेंथ अबाउट 1.2 मीटर एंड वेइंग अप टू द 35 किलोग्राम्स। इसका वजन 35 किलोग्राम होता है और लगभग 1 से लेकर 1.25 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। स्किन कवरिंग द बॉडी कंटेन वेरी स्मॉल साइक्लॉइड स्केल्स। इसकी बॉडी पर साइक्लॉइड स्केल पाए जाते हैं। एंड गिल स्लिट्स आर 5 पेयर एंड कवर्ड विद अ ओपरकुलम। 5 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, ओपरकुलम से ढके रहते हैं। गिल्स आर वीकली डेवलप्ड एंड रेस्पिरेशन इज सप्लीमेंटेड विद 2 लंग्स डायमोनिया। इनके वीकली डेवलप होते हैं। पानी अगर नहीं भी मिले तो ये जिंदा रह लेती हैं क्योंकि ये इनमें 2 लंग्स पाए जाते हैं। उन लंग्स के द्वारा ये एरियल रेस्पिरेशन कर सकते हैं जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पेराइड फिन्स आर थिन एंड फिलामेंटस। डॉर्सल एंड कॉडल फिन्स आर यूनाइटेडली कंप्राइज्ड विद फ्लैश स्नेल्स एंड मास ऑफ अल्गा। पेराइड फिन्स जो है वो यूनाइटेड होते थिन होते हैं और फिलामेंटस होते हैं जिनकी सहायता से ये चल सकती है। पेल्विक फिन हैव वास्कुलर फिलामेंटस इन मेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। इनका जो पेल्विक फिन है वो वास्कुलर और फिलामेंटस हो जाता है जब ब्रीडिंग सीजन इनका आता है तो उस दौरान ये इस प्रकार के मॉडिफाई हो जाते हैं। आईज आर मॉडरेटरी एंड वेल डेवलप्ड इन लाइक न्यूसेरोटोडस। एक्सटर्नल क्यूटेनियस गिल आर एब्सेंट इन एडल्ट्स बट प्रेजेंट इन लार्वा। जो एक्सटर्नल गिल्स हैं वो इनके लार्वा में पाए जाते हैं लेकिन वयस्क आते आते उनमें विलुप्त हो जाते हैं। लाइक प्रोटोप्टेरस दे सर्वाइव ड्रॉट बाय द सीक्रेटिंग म्यूकस कोकून इन मड ड्यूरिंग द एस्टिवेशन इन द एयर ब्लैडर इज यूज्ड एज लंग। जब इनका ड्रॉट सीजन आता है अपना एक्टिव जीवन व्यतीत कर देती हैं। इस प्रकार से ये इनमें पाई जाती हैं। तीसरी है न्यूसेरोटोडस फॉरेस्टेरी। इनका डिटेल हम देखें कि न्यूसेरोटोडस जो है जिसे ऑस्ट्रेलियन लंग फिश भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की क्यूंसलैंड और इनमें नदी में पाई जाती हैं। ये इनएक्टिव एंड स्लगिश इन हैबिट। इनएक्टिव होती हैं, थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति की होती हैं। यूजुअली लाई मोशनलेस ऑन द बॉटम और तली पर ये गतिहीन अवस्था में ये पड़ी रहती हैं। इट इज कार्निवोरस एंड फीड ऑन द फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन वर्म्स एंड मोलस्क। कार्निवोरस होती हैं और क्रस्टेशियन और कृमि और इनके मोलस्क जो हैं इनके भोजन होते हैं। Body measuring about 1.5 meter long and weighing about 45 kilograms. The body surface including the head and paired fins are covered with a thin bony overlapping cosmoid scales. इनके शरीर के ऊपर cosmoid scale जो characteristic feature है इसका वो पाए जाते हैं। और paired fins are loop like paddles and enabling the fish to crawl over the bottom. इनके जो paired fin हैं जैसे कि पेक्टोरल और पेल्विक फिन हैं वो लोब लाइक लेग्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिनकी सहायता से ये पानी की तली में ये आराम से चल सकते हैं। बट दीज आर द वीक टू सपोर्ट द फिश आउटसाइड वाटर। लेकिन ये थोड़ी कमजोर होती हैं पानी के बाहर जिंदा रहने के लिए। द फिश हैज डाइफासर्कल टेल विद अ सिमेट्रिकल टेल फिन। सिमेट्रिकल टेल होती है इनकी, डाइफाइसर्कल होती है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स लाई एनक्लोज विद इन द अपर लिप एंड इंटरनल नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट। इंटरनल नॉस्ट्रल्स इनमें पाए जाते हैं। ब्रैंकियल आर्चेस आर 4 इन नंबर एंड बाइसेगमेंटेड। हायोब्रैंकियल क्लेफ्ट इज ओपन एंड एसोसिएटेड विद स्यूडोब्रैंक्स। द फर्स्ट 4 ब्रैंकियल आर्चेस कैरी होलोब्रैंक्स। गिल्स आर कवर्ड विद अ बोनी ओपरक्यूला। It respires exclusively by gills and uses its single lung, that is mononeumona. Mononeumona, जिनमें एक lung पाया जाता है उनको mononeumona कहते हैं। Only under stress. Stress, जब oxygen की stress होता है, पानी की कमी होती है, उस समय ये lungs के द्वारा respiration करते हैं। The latrine system is present. The जो rear receptor organ है, latrine system, जो मछलियों का characteristic feature है, वो इसमें पाया जाता है इनके अंदर। Lower jaw is with a small toothless dentary on each side and dental plates are over crescentric and triangular terminating in a smooth and feebly denticulated biting margin. और इनके ऊपर ये पाए जाते हैं, अपने जॉज के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि ये मछली, कुछ मछलियां अपने आप को कोकून में बंद करके और इस प्रकार से इनर्ट मिट्टी के अंदर अपने को धंसा लेती हैं और लंबे समय तक पड़ी रहती हैं। जैसे ये कोकून में से ये बाहर निकली है, ये एक न्यूसेरोटोडस फिश है जो मिट्टी के अंदर सूख जाती है, मिट्टी एकदम से उसके अंदर भी ये पड़ी रहती हैं और कोकून के रूप में ये खोद करके इनको निकाल सकते हैं। वहां के जो
नेटिव्स हैं वो इनको खोद करके अपने भोजन के लिए, गर्मियों में जब पानी सूख जाता है तो इन कोकून को बाहर निकाल करके और अपने भोजन का इंतजाम करते हैं। जैसे ये मिट्टी में फंसा हुआ ये कोकून है, इसको ये निकाल रहा है वहां का नेटिव और इनमें से ये मछलियां निकली हैं जो इस तरह से कॉइल्ड यानी फोल्डेड रूप में रहती हैं और बंद रहती हैं और लंबे समय तक जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब तक उनको झेलती रहती हैं। उसके बाद में फेवरेबल कंडीशन आते ही ये फिर अपने एक्टिव वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाती हैं। एफिनिटीज ऑफ डिप्नोए। अब डिप्नोए की बंधुताएं कि डिप्नोए को कौन से ग्रुप में रखा जाए ये विवाद का विषय रहा हुआ है। डिप्नोए फॉर्म्स एन इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ फिशेस and presence of lungs lead to the view that they are the ancestors of amphibian and they were considered as the connecting link between fishes and amphibian. ऐसा माना जाता है कि वो जो ये जो lung fish हैं ये amphibian की ancestor हैं, ancestor यानी amphibian इसी से बने हुए हैं, लेकिन ये कभी कभार ये fishes और amphibia के बीच की connecting link भी के रूप में भी देखा जाता है। This view is no more supported with the evidence, लेकिन इस view का कोई evidence नहीं मिला अभी तक। Present view is to treat them as a specialized and degenerate descendant of the more primitive lobe-finned fish, cross-septal region or latting area to which they closely resemble। ऐसा माना जाता है कि ये cross-septal region यानी latting area जैसी मछलियों की degenerate descendant हैं, ये specialized हैं, degenerate descendant हैं। तो एक कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार से माना जाता है। अब इसकी एफिनिटीज अगर देखें तो एफिनिटीज ऑफ फिश विद द लंग फिश ऑफ द एंड विद फिशेज, अगर जो ओरिजिनल मछलियां हैं जो ट्रू फिशेज हैं उनके द्वारा इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज एफिनिटीज पाई जाती हैं, जैसे कि स्पिंडल शेप्ड ई लाइक बॉडी मछलियों की तरह होती है, बॉडी कवर्ड विद स्केल्स मछलियों की तरह, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स मछलियों की तरह, पेयर्ड कॉडल फिन डाइफाई सर्कल कॉडल फिन, persistent notochord skull with little ossification, paired gill slits, branchial respiration and lateral line sense organ presence just like fishes. Affinities of elasmobranch, जो पास्कल मछलियां हैं elasmobranch हैं उनके द्वारा उनमें और इनमें क्या क्या similarities होती हैं वो यहाँ पे हैं। इनका endoskeleton mostly cartilaginous just like elasmobranch, intestine with spiral valve, spiral या scroll valve इनकी intestine में पाया जाता है जिससे साबित होता है कि elasmobranch से मिलती जुलती है, conus arteriosus with valves, conus arteriosus जो extra chamber होता है heart के अंदर वो conus arteriosus जो और ventricle के बाद में होता है वो इनमें पाया जाता है, तो इससे साबित होता है कि ये मछलियों के इनकी elasmobranch से ये मिलती जुलती हैं, presence of sinus venosus एंड sinus venosus भी एक्स्ट्रा चैम्बर होता है वो भी हार्ट के अंदर पाया जाता है, ईच गिल विद टू डिफरेंट एफरेंट आर्टरीज, एब्सेंस ऑफ नेफ्रोस्टोम इन यूरिनरी फेस्टिबल्स, नेफ्रोस्टोम का नहीं पाया जाना, डाइनसेफेलॉन स्मॉल डाइनसेफेलॉन का पाया जाना एंड सिमिलर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पाया जाना, ये इनकी इलास्मोब्रेन से एफिनिटीज को शो करता है। एफिनिटीज ऑफ होलोसेफेलाई, होलोसेफेलाई यानी काइमेरा जैसी मछलियों से भी इनकी क्या एफिनिटीज है बंधुताएं हैं, जैसे एक्सकरेंट नॉस्ट्रल ओपनिंग इन टू माउथ कैविटी, दैट इज द एफिनिटी ऑफ विद होलोसेफेलाई, ऑटोस्टाइलिक जोसा स्पेंसोरियम, गिल्स कवर्ड विद ओपरक्यूलम, नो डिस्टिंक्ट स्टमक, इंटेस्टाइन विद स्पायरल वॉल एंड टीथ फ्यूज टू फॉर्म डेंटल प्लेट्स, आइडेंटिकल क्रेनियल मसल्स and identical kidneys and gonads and gonoducts in both the groups, holocephali as well as in dipnoi, two afferent arteries in each gill are present, affinities of with actinopterygii jo aaj ki true bony fishes hain, actinopterygii raven fishes hain unke sath mein in dipnoi fish lung fish ke kya samanta hai bandhuta hai wo paanch samanta hai, blunt snout and ventral nostril, blunt snout aage ka jo portion hai wo blunt ended hota hai nukila nahi hota hai, presence of cycloid scales on their body, इनके शरीर पर cycloid scale का पाया जाना, strong palate and splenial teeth, teeth बिल्कुल इनके actinopterygii जैसे हैं, presence of operculum covering teeth, operculum का पाया जाना, presence of swimbladder, swimbladder का पाया जाना, paired inferior jugular veins का पाया जाना, ये इनकी actinopterygii से affinity show करते हैं, affinities of cross-septalrygii जो lobed fin हैं cross-septalrygii हैं जैसे लैटिमेरिया है उनसे भी इनकी समानताएं कुछ, जैसे डाइफाई सर्कल कॉडल फिन का पाया जाना, पावरफुल लैग लाइक लोइड फिन का फिन्स का पाया जाना जैसे कि नियोसिरोडोटस इसमें पाए जाते हैं,
identical skull bones ka bhai jana, vertebral column up to the tip of the caudalfin, air bladder for pulmonary respiration ka bhai jana, internal nostrils ka bhai jana, presence of contractile conus arteriosus, larva with cutaneous gills ka bhai jana, ye sare in diplodocus ko cross of pterygii se affinities bandhuta show karte hain. Affinities with amphibia. Amphibia के साथ में भी इसकी क्या बंधुताएं हो सकती हैं? जैसे सेमी एक्वेटिक होते हैं, एम्फीबियस नेचर के होते हैं, यानी कि उभयचारी, जल में भी रह लेते हैं और थल पर भी रह लेते हैं, तो ये उभयचारियों से मिलते जुलते हैं. इंटरनल नोस्ट्रल का पाया जाना उभयचारियों का लक्षण है. वोमेराइन टीथ का पाया जाना उभयचारियों का लक्षण है. इनमें ऑटोस्टैलिक जो सस्पेंशन का पाया जाना वो उभयचारियों का लक्षण है. प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड वो भी उभयचारियों का लक्षण है. क्यूटेनियस गिल्स इन लार्वा, क्यूटेनियस गिल्स का पाया जाना, यानी जो एक्सटर्नल गिल्स हैं लार्वा में वो उभयचारियों में पाए जाते हैं, तो वो इसकी एफिनिटी दर्शाते हैं. पल्मोनरी रेस्पिरेशन स्पेशली, दैट इज इंपॉर्टेंट. पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज द एफिनिटी विद द एम्फीबियन. डर्मल स्केल्स एज इन एपोडा, एपोडा के अंदर जो जैसे कि एक फिश है उसके अंदर जो डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, इसी प्रकार के स्केल इनके ऊपर पाए जाते हैं. ऑरिगल एंड साइनस विनोसिस पार्शियली डिवाइडेड, ये बिल्कुल एम्फीबिया की तरह. और वेंट्रल ऑर्डाइज शॉर्ट एंड एब्सेंट, प्रेजेंस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वेन एंड पोस्टीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरीज इन वेन्स आर प्रेजेंट जस्ट लाइक एस एम्फीबियन. बोथ थिन वॉल्ड ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम पाया जाता है दोनों में ही. लॉन्ग एंड नैरो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर का पाया जाना लंबे और सकरे. सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड डेवलपमेंट, दोनों में ही एग और डेवलपमेंट की एक जैसी रूपरेखा होती है, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी होते हैं. जैसे डिप्नोई में पेयर लोवेट फिन होते हैं, लिम्स नहीं होते, जबकि एम्फीबिया में बाकायदा स्पष्ट लिम्ब होते हैं. दूसरा है मैक्सिला और प्रीमैक्सिला एब्सेंट होते हैं डिप्नोई में, जबकि इनमें एम्फीबिया में प्रेजेंट होते हैं. क्रशिंग टीथ प्लेट्स आर प्रेजेंट इन द डिप्नोई एंड द एब्सेंट इन एम्फीबिया. फ्यू एंटीरियर वर्टेब्रा फ्यूज्ड विद टू फॉर्म द स्कल इन डिप्नोई. And no fusion of anterior vertebrae in the amphibia. Next is the cartilaginous skull होती है in dipnoe की, जबकि amphibian की bony fish bony skull होती है. Lungs lie dorsal to the gut and lungs lie ventral to the gut in amphibian. Urinary bladder from the dorsal wall of the cloaca in dipnoe and the, from the lateral or ventral wall of cloaca in the amphibian. These are the differences. Primitive characters, some primitive characters are there. अनकंस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड का पाया जाना, ये प्रिमिटिव करेक्टर है इनका. प्रेजेंस ऑफ क्लोएका यानी अवस्कर का पाया जाना, एनस और यूरिनरी ब्लेडर का अलग अलग, यूरिनरी क्षेत्र का अलग अलग नहीं होना, ये एक प्रिमिटिव करेक्टर है इनका. स्पाइरल वाल्व इन इंटेस्टाइन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीशियस में पाया जाता है वह इनके अंदर पाया जाता है, तो ये इसका प्रिमिटिव करेक्टर है. वाल्व इन कोनस, कोनस जो कोनस आर्टरीसस है उसके अंदर वाल्व का पाया जाना, ये इनका प्रिमिटिव करेक्टर है. स्पेशलाइज्ड करेक्टर है कुछ, जैसे कि प्रीमैक्सिला एंड मैक्सिला आर एब्सेंट. एंटीरियर डोर्सल फिन रिड्यूस्ड और एब्सेंट. डेंटल प्लेट इन जॉज का पाया जाना. कार्टिलेजिनस क्रेनियम का पाया जाना विदाउट ओसिफिकेशन. और थिन साइक्लॉइड स्केल्स का पाया जाना इन द कॉस्मॉइड स्केल्स का पाया जाना, ये इनका करेक्टरिस्टिक स्पेशलाइज्ड करेक्टरिस्टिक फीचर है. फ्यूजन ऑफ एंटीरियर वर्टिब्रा विद स्कल, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है. फंक्शनली डोर्सली प्लेस्ड एयर ब्लैडर, डोर्सली एयर प्लेस्ड ब्लैडर का फंक्शनल होना, ये इनका स्पेशलाइज्ड करेक्टर है जो इनमें पाया जाता है. Now, conclusively, we can say that the above affinities indicate that the diplodocus are the most advanced species, fishes from which amphibian could evolve. हुए होंगे, हो सकते हैं, दे उनसे एम्फीबियन विकसित हुए होंगे. दे आर डिजेनरेट डिसेंडेंट ऑफ क्रोसेप्टेरिजी, क्रोसेप्टेरिजी के डिजेनरेट डिसेंडेंट माने जाते हैं. अकॉर्डिंग टू जर्विक, डिप्नोन आर द मोर स्पेशलाइज्ड देन द क्रोसेप्टेरिजी. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट व्यू, बोथ डिप्नोन एंड एम्फीबियन हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सम क्रोसेप्टेरिजी लाइक एंसेस्टर. आजकल के मान्यता के अनुसार क्रोसेप्टेरिजियन और डिप्नोइन दोनों ही एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए होंगे, ऐसा माना जाता है. देयर मस्ट हैव बीन ए कॉमन एंसेस्टर ऑफ डिप्नोए, क्रोसेप्टेरिजियन एंड लेबिरिंथोडोंट ऑफ एम्फीबिया. लेबिरिंथोडोंट जिनसे एम्फीबिया का विकास हुआ है, वो डिप्नोए और क्रोसेप्टेरिजी इन तीनों के एक कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, ऐसा ये विश्वास होता है. सो मस्ट प्रोबेबली डिप्नोन आर not the father of amphibian but the uncles of amphibian they are, इसलिए उनको father ना केवल fathers बल्कि इनके चाचा भी कहा जाता है, amphibian के चाचा भी कहा जाता है इनको. आज के लिए इतना, thank you very much.